पिछले महीने मेरा जन्मदिन था। कुछ खास नहीं, काम करते ही बीता। ये बात बतानी जरूरी इसलिए है क्योंकि बर्थडे हमेशा से ड्रामेटिक ही पसंद रहे हैं मुझे। मतलब जब तक उसमें थोड़े सरप्राइजेस ना हो, रोना धोना ना हो, मुझे बर्थडे बर्थडे ही नहीं लगता। ज्यादा तोहफे भी नहीं मिले। हाँ, पर एक दोस्त ने कॉफी दी, वो जो होती है ना कॉन्टिनेंटल टाइप कॉफीज, जो गिफ्ट देने पे और एग्जॉटिक लगने लगती है, वैसी वाली कॉफी। कॉफी का शौक हमेशा से रहा है मुझे। नए नए कैफेज डिस्कवर करना, तरह तरह की कॉफी ट्राई करना, ये हमेशा से पसंद है मुझे, पर लत नहीं थी कभी। और अब ऐसा है कि अगर मैं कॉफी पीऊं तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये काम इसने कॉफी पी के किया है और ये काम बिना कॉफी पिए किया है। कॉफी लवर्स के ना लेवल्स होते हैं, और सबसे ऊपर लेवल पे आते हैं वो जो ब्लैक कॉफी पीते हैं, और मैं ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर पीती हूँ। उस जहर को पीने के बाद जो मैं काम करती हूँ ना, तो मुझे लगता है आज मेरे हाथों कुछ डिस्कवर ही ना हो जाए। कॉफी से पहले किसी और चीज की लत थी मुझे, प्रेम की। मतलब कभी चीजों से, कभी शहरों से, कभी जगहों से, कभी लोगों से, दोस्तों से, खूंखार लेवल का प्रेम करती हूँ मैं। जैसे 12वीं तक मुझे क्लिप्स से प्रेम था, तो 100 तरह की करीबन क्लिप्स इकट्ठा की थी मैंने। और फिर जब वो प्रेम खत्म हुआ तो वो डब्बा किसी बच्चे को दे दिया। फिर किताबों से प्रेम हुआ, कोर्स की, बिना कोर्स की, नॉवेल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, मेरा दिमाग वहीं रहता था, उन्हीं उसी दुनिया में रहती थी मैं। फिर झुमकों से प्रेम हुआ, मतलब किसी दिन मैं झुमका ना पहनूं तो लोग समझ जाते थे कि आज इसका मूड खराब है। लोगों से ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा लेवल का प्रेम रहा है मुझे, दोस्तों से। आप मेरी माँ से बात करेंगे तो वो पूरी क्रोनोलॉजी बता पाएगी कि किस क्लास में किस दोस्त से सबसे ज्यादा प्यार किया है मैंने। जैसे 7th तक रानी, 9th में अवनी, 10th में मेघना, 11th 12th में शिल्पा, 1st ईयर में मेघा, 2nd ईयर में सूर्या, 3rd ईयर में नेहा, कामना, MSc में निशा, अनुव्रत, फिर राखी। मैं जो प्रेम करती हूँ ना, तो मैं हद कर देती हूँ। मुझे मुझे ट्विनिंग करनी होती है। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन के प्लान्स से उनके जीवन के प्लान्स अलाइन हो, मेरे करियर प्लान्स में उनके करियर प्लान्स सम्मिलित हो। मुझे ये ऐसे चाहिए होता है, मुझे ये स्पेस का कंसेप्ट समझ नहीं आता है। और एक और मेरा दोस्त है जिसको जो सेम सोचता है, और उसने कहा था कि ये होना भी नहीं चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए। मतलब जब किसी से प्रेम करो तो घुस जाओ उसमें, कुरेद दो उसको। पर 26 की उम्र तक आते आते आप समझ जाते हो कि लोग चले जाते हैं। मतलब हाँ, ये चले जाते हैं ये पता है, पर तब भी लोगों का चले जाना मुझे कभी समझ नहीं आया है। मतलब हाँ, मुझे समझ आता है कि कई बार हमारी सोच अब अलाइन नहीं कर रही होती है, या हम दो अलग लोग हो चुके होते हैं, या दोस्त अपने एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, या अब हम पहले वाले हम नहीं रहे होते, और इसलिए लोग चले जाते हैं। पर चले जाना मुझे नहीं समझ आता है। इस उम्र तक आते आते दोस्तियां और प्रेम करने के सब प्रोटोकॉल बन चुके होते हैं, पर उनका क्या, जिनके लिए प्रेम करना एक चॉइस नहीं, मजबूरी है। खैर, अब ये लत नहीं है मुझे, अब मुझे काम की लत है, तो अब मुझे मंडेज बुरे नहीं लगते हैं। मैं जितना प्यार लोगों से करती थी, उससे अब कई ज्यादा प्यार अपने काम से करती हूं। कॉफी तो है ही। किसी भी चीज की लत होना बुरी बात है, ये समझ आ चुका है मुझे। पर कुछ लते हैं, जैसे कॉफी, काम और कविताएं। जब आप प्रेम में होते हैं ना, तो आपके पास कविताओं कविताओं के लिए बिल्कुल समय नहीं होता है। ना आप प्रेम के बारे में पढ़ पाते हैं, ना आप प्रेम के बारे में लिख पाते हैं। पर जब आप प्रेम में नहीं होते हैं ना, जब वो लत खत्म हो गई होती है, तो आप खूब लिखते हैं, खूब पढ़ते हैं। मैं भी खूब लिखती हूँ, खूब पढ़ती हूँ। ये लते हैं मेरी, काम जो कि कभी खत्म होता नहीं है, कविताएं जो कभी खत्म हो नहीं सकती हैं, और कॉफी आधी रात को भी खत्म हो जाए तो किसी भी दुकान पर मिल जाएगी या कहीं से मंगवाई जा सकती है। पर लोग चले जाएं, प्रेम खत्म हो जाए, तो कहाँ से मंगाया जाए।